ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, आज की इस क्लास में हम डेल्टा पीएलसी के अंदर टाइमर की प्रोग्रामिंग सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और इस बॉक्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर बेसिक इंस्ट्रक्शन के अंदर जाएंगे और टीएमआर इंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम टाइमर का नाम दे देंगे T0, ये मैंने टाइमर का नाम दे दिया। और यहाँ पर हम सेकेंड, मिली सेकेंड, अगर सेकेंड में लेना है तो हम यहाँ पर 100 डाल देंगे। और यहाँ पर हम एक कॉन्टेक्ट ले लेंगे एनो कॉन्टेक्ट और इसको हम एक्सपोर्ट डाल देंगे, यानी कि एक्सपोर्ट पर हमारा सिलेक्टर स्विच लगा है उसका एड्रेस डाल देंगे। तो जैसे ही हम सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा टाइमर एक्शन में आ जाएगा। और अगर हमें कोई ऐसा है जो मोटर हमें 10 सेकंड बाद हमें चलानी है तो उसको कैसे चला सकते हैं, उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ब्रांच लेंगे। ब्रांच में यहाँ पर हम एक लैंप लेंगे, लैंप मींस तीसरा लैंप ले लेता हूँ, यानी कि Y2 को ले लेता हूँ। Y2 लैंप को ऑन कराएंगे कब, 10 सेकंड बाद। तो यहाँ पर हम एक कॉन्टेक्ट लेंगे एनो कॉन्टेक्ट लेंगे और इसका नाम दे देंगे T0। ये हमने T0 यहाँ पर दे दिया। अब क्या होगा, जैसे ही ये X42 होगा, यानी कि X4 सिलेक्टर स्विच को हम ऑन करेंगे, टाइमर चलना स्टार्ट होगा और 10 सेकंड बाद ये Y2 को ऑन करेगा। पहले हम इसको ही चेक कर लेते हैं, ये 10 सेकंड बाद ऑन होगा। जैसे ही हम सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे उसके 10 सेकंड बाद ये ऑन होगा। इसको चेक करने के लिए पहले हम इसको एक बार डाउनलोड कर लेते हैं, ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे और ऑनलाइन जाएंगे। अभी के केस में आप देख पाएंगे जैसे हम इसको एक बार X4 को ट्रू करेंगे तो Y2 लैंप 10 सेकंड बाद ऑन होगा। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो X4 हमारा ये सिलेक्टर स्विच है, इसको हमने ट्रू कर दिया है। तो अब ये आप प्रोग्राम के अंदर देख पाएंगे टाइमर के अंदर काउंटिंग स्टार्ट हो गई है और जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हुए हैं तो Y2 लैंप हमारा यहाँ पर ऑन हो गया। अब एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं कि जिसके अंदर जैसे हम सिलेक्टर स्विच को ऑन करें तो सबसे पहले एक लैंप ऑन हो जाए और वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए ऑन हो और उसके बाद वो बंद हो जाए और 10 सेकंड के बाद दूसरा लैंप ऑन हो। तो इसको इस एग्जांपल को कैसे लिख सकते हैं उसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऑफलाइन आएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर एक ब्रांच और लेंगे और यहाँ पर हम अपने लैंप का नाम दे देंगे। ये Y2 था, ये हम यहाँ पर Y1 ले लेते हैं और यहाँ पर हम एक कंडीशन लिखेंगे। तो उसके लिए एक हम यहाँ पर बॉक्स लेंगे, एक यहाँ पर लेस देन का इंस्ट्रक्शन लेंगे और यहाँ पर हम अपने टाइमर का नाम T0 डाल देंगे और लेस देन में हम 100 डाल देंगे। तो अब क्या होगा कि ये 10 सेकंड से नीचे होगा तब तक तो ये Y1 लैंप ऑन रहेगा और 10 सेकंड के ऊपर जब जाएगा तो हमारा Y2 ऑन हो जाएगा। तो इसको एक बार डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं, ऑनलाइन जाएंगे। ऑनलाइन जाने के बाद हम सिलेक्टर स्विच 4 नंबर को ऑन करेंगे, ये हमारा X4 है, इसको हम एक बार ऑन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये लैंप ऑन हो गया, Y1 लैंप ऑन हो गया, आप प्रोग्राम में भी देख सकते हैं और टाइमर काउंटिंग स्टार्ट कर दिया है। अब टाइमर की काउंटिंग जैसे ही 10 सेकंड हुई तो 10 सेकंड कंप्लीट होते ही हमारा ये Y1 लैंप बंद हो गया और Y2 लैंप ऑन हो गया। तो आज क्लास में हमने टाइमर को सीखा, तो आज क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।